नमस्कार, मेरे चैनल स्टील टॉक पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको न्यू सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक। तो फाइनली निशा भट्ट ने अपने अपकमिंग सॉन्ग का पोस्ट रिलीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, निशा भट्ट अपने नए सॉन्ग के साथ बेहद जल्द आप सभी को नजर आएंगी। निशा भट्ट के अपकमिंग सॉन्ग का टाइटल सोहनी है। जी हाँ दोस्तों, सोहनी, जिसे तुर्बन बीट्स के द्वारा म्यूजिक दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूँ कि 5 सितंबर को निशा भट्ट के लिए एक स्पेशल डे है, इसलिए उन्होंने अपने सॉन्ग की रिलीज डेट 5 सितंबर रखी है। बात करूँ मैं इस सॉन्ग के सिंगर की, तो फ्रेंड्स इस सॉन्ग को हरी जेके द्वारा गाया गया है एंड इस सॉन्ग की लिरिक्स दीप माही के द्वारा की गई है। वहीं इस सॉन्ग को अरमान राणा के द्वारा डायरेक्ट भी किया जा रहा है। दोस्तों इस सॉन्ग को 5 सितंबर को देलमा रिकॉर्ड्स के अंडर लेबल रिलीज किया जाएगा एंड इस सॉन्ग को निशा भट्ट म्यूजिक एंड देलमा रिकॉर्ड्स के द्वारा प्रेजेंट भी किया जा रहा है। इस सॉन्ग में हमें निशा भट्ट के साथ अक्की बॉय भी नजर आएंगे। तो दोस्तों ये सॉन्ग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बात करूँ मैं इनके रिसेंट ट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स लो राइडर, जो कि आप सभी को काफ़ी पसंद आया था एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर चल भी रहा है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। इस सॉन्ग में वॉइस हरिंदर समरा के द्वारा दी गई थी। निशा भट्ट के आप सभी ने काफ़ी सॉन्ग सुने होंगे, जिनमें नेवर ट्रस्ट, हाइड करके, जट्टी द क्रश, पज्जल लाइव एंड मैनी मोर सॉन्ग, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद भी आए होंगे। तो दोस्तों रेडी हो जाइए 5 सितंबर देलमार रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन मिल सके।